हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीडीएस एकेडमी। नाउ इट्स पास में क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों, हम रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, कि इंडिया में रिसोर्सेज की प्लानिंग किस तरीके से की जानी चाहिए, जो क्या हो, एग्जॉस्टिवल हो, या फिर उसे कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे कौन कौन से एरिया में कौन कौन से टाइप से रिसोर्सेज हैं। तो पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, आइडेंटिफाई ऑफ रिसोर्सेज, क्या किया जाना चाहिए कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उसे पहले से आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि कौन कौन से रीजन में क्या क्या रिसोर्सेज हैं और कितनी क्वान्टिटी में हैं। सेकेंड क्या है, प्लानिंग स्ट्रक्चर विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान। यानी पहले से क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्लान के साथ चलना पड़ेगा और रिसोर्सेज का बेटर इस्तेमाल करने के लिए एक सेटअप करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशंस, और अच्छे तरीके से जहाँ पर क्या हो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, या कह सकते हो आप रिसोर्सेज को और ज़्यादा डेवलप किया जाए जो ह्यूमैनिटी को करे और ज़्यादा सेटिस्फाई करे इनडायरेक्टली। थर्ड क्या है, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान। क्या करना पड़ेगा, सब ओवरऑल में रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान को मैच करना पड़ेगा कि हम कहाँ वहाँ पर कौन कौन से प्लानिंग है, या फिर कहाँ कहाँ पर कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं। जैसे लैंड रिसोर्सेज की बात करें तो इंडिया में 30% क्या है माउंटेन, 45-3% क्या है प्लान है, 27% क्या है हमारा प्लेट्यू है। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या आता है दोस्तों, हमारा लैंड डिग्रेडेशन यानी भूमि निम्नीकरण, यानी भूमि की उर्वरता क्या होनी है और ज़्यादा खराब हो, यानी डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ सॉइल कह सकते हो इनडायरेक्टली आप। द डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू द ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटी विच मेक्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन इज नॉन एज लैंड डिग्रेडेशन। यानी क्या क्या जाता है इसमें कि ह्यूमन्स की एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारे सोइल्स को या हमारे नेचर को क्या करता है, क्या होता है, नुकसान होता है, जिसकी वजह से क्या होता है भूमि की उर्वरता क्या हो जाती खो जाती है और उसमें हम एग्रीकल्चर ईजिली नहीं कर सकते, तो वही क्या होता है भूमि लैंड डिग्रेडेशन, डिग्रेड होना यानी गिर जाना। कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, किसकी वजह से क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन होता है, जैसे ओवरग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा घास चरा देना, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी या महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे ओवरग्रेजिंग ज़्यादा होती है, ओवर इरीगेशन, बहुत ज़्यादा इरीगेट कर दो, सिंचाई कर दो, क्या हो जाता है सॉइल स्लैंटी दलदली वगैरह हो जाते हैं वहाँ का एरिया। थर्ड क्या है, बेस्ट फॉर्म इन इंडस्ट्रीज कॉजेज लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज खोल दी जाए तो क्या होता है वाटर पोल्यूशन हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर बर्निंग एट माइनिंग साइट्स कॉजेज सर्व लैंड डिग्रेडेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को कटाई कर देना, इसकी वजह से क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन होता है। इसके अलावा क्या है, मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्रेडिंग ऑफ लाइमस्टोन सीमेंट, यानी क्या किया जाता है इसमें, जब सीमेंट बनाने के लिए छोटे छोटे पत्थरों को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है तो वहाँ से डस्ट उड़कर क्या होते हैं लैंड पर जाके बैठ जाते हैं और वो क्या करते हैं इरिगेशन के टाइम पे वाटर को ज़मीन तक पहुंचने नहीं देते हैं। तो अब इस सब का क्या है सॉल्यूशन क्या निकलता है कि हम क्या करें, ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, है ना, प्रॉपर मैनेजमेंट रखें ग्रेजिंग में, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडियन वेस्टेज की प्रॉपर डिस्चार्ज करें, जो भी वेस्टेज है उसको एक प्रॉपर वे में क्या करें तैयारी करें हम। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है दोस्तों, हमारा टाइप ऑफ सॉइल, तो हम क्या करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये हम पढ़ेंगे अपने दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।